स्वागत है आपका इंडोर गार्डनिंग चैनल पर। आज डिस्कस करते हैं क्रोटन प्लांट। क्रोटन एक ग्रीक वर्ड क्रोटोस से आया है, जिसका मतलब होता है टिक, और ये सीड का जो शेप होता है उसको इंडिकेट करता है सर्टन स्पीसीज के लिए। इसके हाइट 3 मीटर तक हो सकता है। ये बहुत सारे वैरायटी में आता है और काफ़ी सारे कलर्स के साथ आता है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि सनलाइट प्रिफर करता है। शेड में कवर्ड एरिया में रखने से इसके कलर्स बहुत बढ़िया आते हैं। इसके कलर्स डल पड़ जाते हैं जब आप सनलाइट में ज़्यादा रखते हैं। इसे खाद वाला रीच सॉयल बहुत पसंद है। इनिशियल ग्रोथ के लिए लीफ कंपोस्ट के साथ थोड़ा सा सेंट मिला के आप ग्रो करा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया होता है और इसमें बीच बीच में गुड़ाई करते रहना चाहिए, 15 दिन में एक बार बढ़िया रहेगा। वाटरिंग इसको बहुत पसंद है क्योंकि ह्यूमिडिटी भी पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग इसके लिए अच्छा नहीं होता है। फर्टिलाइजर में प्रीफर करता है खाद जो 10 दिन में एक बार आप दे सकते हैं। एसिडिक फर्टिलाइजर इसके लिए बहुत अच्छा होता है। एप्पल साइडर विनेगर को पानी के साथ आप मिला के दे सकते हैं या फिर सिरका आप दे सकते हैं, इससे इसमें साइन और कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से गुड़ाई करके फर्टिलाइजर अप्लाई कीजिएगा और उस दिन उसको पानी ना दें, उसका दूसरा दिन उसमें पानी अप्लाई कीजिएगा। फर्टिलाइजर सिर्फ ग्रोथ सीजन में अप्लाई करना चाहिए, विंटर में अवॉइड करना चाहिए। विंटर में टैप वाटर के जगह आप थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा पानी गर्म करके आप वो दे सकते हैं। ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। स्प्रिंग के समय NPK 20-20-20 ये पानी के साथ मिला के आप दे सकते हैं। NPK को ड्राई अगर देना है तो 1/2 चम्मच आप डायरेक्टली सॉयल में दे सकते हैं। कैटरपिलर, बग्स, स्पाइडर माइस, ये सबका अटैक इस प्लांट में हो सकता है। इसको अच्छे से वॉश करना है सोपी वाटर से। पानी में अच्छे से सोप वाटर मिला के इसको आप ऐसे स्प्रे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। आपके घर में चाय तो बनता ही होगा, इसको पहले थोड़ा वॉश कर लीजिएगा, फिर सुखा दीजिएगा। अच्छे से ड्राई होने के बाद इसको सॉइल में आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एसिडिक नेचर का होता है और इसको एसिडिटी बहुत पसंद है। प्रोपागेशन कटिंग से बहुत बढ़िया होता है। इसमें जब आप कट कीजिएगा इतना सा 8 इंच से अबव, एक छोटा सा टहनी आप लीजिएगा, उसका जो स्टेम में सब लीव्स को निकाल दीजिएगा, ऊपर में 3-4 लीव्स आप रख सकते हैं और उसको पार्शियली काट दीजिएगा। प्रोपागेशन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप पानी में मिला लीजिएगा 1 मिनट के लिए। इसका स्टेम के नीचे थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन थोड़ा लगा दीजिएगा पिंच, और इसको सॉइल में डिप कर दीजिएगा 2 इंच। इसके बाद सॉइल को मॉइस्ट रखिएगा, इससे पहले भी आप मॉइस्ट करके लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 से 1.5 महीने में थोड़ा सा रूट डेवलप हो जाता है और लीव भी जनरेट हो जाता है। आप जब स्टेम को कटिंग करते हैं तो एक सीजर को पहले से अच्छे से अल्कोहल या फिर हैंड वॉश से सैनिटाइज कर लीजिएगा, इससे कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा पेड़ को। उसके बाद उसको कटिंग कीजिएगा और कटिंग हमेशा 45 डिग्री एंगल पे कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।